साथियों नमस्कार। इस वक्त हम विधानसभा चुनाव में है। लगातार जिस तरह से राजनीतिक में उठक पटक लगी है, वहीं पे बहुजन समाज पार्टी के हमारे साथ में जो है मुख्य सेक्टर प्रभारी प्रयागराज से हैं। हम बात करने की कोशिश करेंगे, प्रयागराज में क्या माहौल चल रहा है सर? प्रयागराज में 12 विधानसभाएं हैं, जिसमें ये चुनाव विधानसभा भी है, और पूरी तरह से सभी जात धर्म अजात के लोग, चाहे वो नौजवान हों, चाहे शिक्षा प्राप्त कर रहे हों, चाहे शिक्षा प्राप्त कर चुके हों, रोजगार, चाहे किसान हो, चाहे छोटे व्यापारी, आम जनमानस हो, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के शासन काल को देखा है और आदरणीय बहन जी के शासन काल को भी देखा है, अखिलेश यादव जी के जंगल राज के शासन को भी देखा है और आज योगी बाबा के भी शासन काल को देख रहे हैं। ना तो इंसान सुरक्षित है, ना तो फसल सुरक्षित है। तो इन सरकारों से लोग निजात पाना चाहते हैं और लोकप्रिय नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को उत्तर प्रदेश का 5वीं बार मजबूत मुख्यमंत्री बनाने के लिए प्रयागराज मंडल की 12 की 12 सीट सभी लोगों ने मन बना लिया है। बहुजन समाज पार्टी के खाते में जाएगी। बहुजन समाज पार्टी के 12 प्रत्याशी हमारे जी। कल उन्नाव में दलित बेटी का शव जो है सपा नेता के खेत में मिला, क्या कहेंगे सर? आदरणीय बहन जी ने उस पर जो है संज्ञान लिया है, उस पर ट्वीट भी किया है, बहन जी का ट्वीट भी आया है। निश्चित रूप से उसके न्यायिक जाँच होनी चाहिए और पहले भी पीड़ित परिवार के लोगों ने शक जाहिर किया था कि समाजवादी पार्टी के गुंडों के द्वारा ही इस घटना को अंजाम दिया गया है और उसी ओर जब जांच पड़ताल हुई तो खेत से लाश मिली। निश्चित रूप से सब लोग जानते हैं कि समाजवादी पार्टी तो गुंडों की पार्टी है, वहाँ लफंगों की पार्टी है, अपराधियों की पार्टी है और जब जब समाजवादी पार्टी सत्ता में रही है तो वो सड़क पर दिखा है और लोगों ने देखा है। सर 24 दिसंबर को सतीश चंद्र मिश्रा जी आए थे, वहाँ पे एक जनसभा थी और उस जनसभा में आपके नाम से मुर्दाबाद के नारे लगे, क्या कारण है? क्या कारण वो तो आप लोगों ने देख लिया होगा, वो कुछ अराजक तत्व थे, 2-4-10 लोग थे, उनके साथ कार्रवाई हो गई। अभी भी जो है लगातार जो सोशल मीडिया पे गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, वो सब विरोधी पार्टी के लोगों के साथ ही साथ। तो आनंद पासी जी के क्षेत्र में आए हैं, क्या माहौल लगा कि आनंद पासी जी जीत रहे हैं? कितने वोटों से जीतेंगे? नहीं, कितने वोटों से नहीं, ये तो जो है यहाँ की जनता ने पूरी तरह से मन बना लिया है आनंद पासी को जिताने के लिए। आनंद पासी बहुजन समाज पार्टी के सच्चे सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं, लंबे समय से लगभग 200 साल से बहुजन समाज पार्टी में वो काम कर रहे हैं और यहाँ का एक एक कार्यकर्ता अपने आप को प्रत्याशी समझ रहा है। कल जो है पहले चरण का मतदान था, क्या लगता है सर कितनी सीटें निकलेंगी? 58 कितनी सीटें नहीं, उसमें तो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें बहुजन समाज पार्टी के कोटे में आ रही है, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है सर, धन्यवाद। जिस तरह से लगातार बहुजन समाज पार्टी का